हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे जॉन डीयर ट्रैक्टर का गेहूं काटने का मशीन कैसा बनाया है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जॉन डीयर ट्रैक्टर का ओल्ड मॉडल है, हमने इसे 2007 में लिया था, इसको पूरा 15 साल हो गए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हम ये चलता कैसा है, सिस्टम क्या है चलने का। ये देखिए, ये बड़ी वाली चेन टायर से ऊपर तक, ऊपर जाके देखते हैं सिस्टम क्या है, ये बनाया कैसा है। दोस्तों ये देखिए, ट्रैक्टर को और नीचे टायर को फिट किया है चेन चलने के लिए। ये देखिए, ये गेहूं की टंकी है, इसमें गेहूं डाला जाता है। दोस्तों ये देखिए चेन, दोस्तों ये चलाने में ट्रैक्टर जैसा ही है, लेकिन लेकिन इसके आगे के दो टायर बहुत बाहर है। ये देखिए, उसका समझ गया तो वो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम अभी नीचे जाके देखेंगे नीचे का क्या क्या सिस्टम है। बहुत बढ़िया बनाया है हार्वेस्टर, ये देखिए बहुत बढ़िया। दोस्तों इसे एलिवेटर कहते हैं, इससे गेहूँ मशीन के अंदर जाता है और इसे ऊपर टंकी में जाता है। दोस्तों इसे कटर कहते हैं, ये मशीन के आगे लगाने का। ये देखिए ब्लेड, गेहूं काटने के ब्लेड है। इसे अंदर खींचता है गेहूं और ब्लेड से कट कर देता है। दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।